ये क्या है? Wake up to reality. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. ओके सो हे गाइस, इट्स मी अनिर्बान एंड बैक हियर विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। तो पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है मेरा प्रोडक्टिविटी डेस्क सेटअप, जिसको मैंने खुद से मेरे हाथों से डिजाइन किया है और सारे कुछ लाइटिंग्स वगैरह मैंने खुद से किया है। क्या आप भी एक बजट फ्रेंडली प्राइस में एक ऐसे टाइप का प्रोडक्टिविटी डेस्क सेटअप बनाना चाहते हैं और आपका भी बजट बहुत ही टाइट है? तो आज इस वाले वीडियो में मैं टीकाफो ब्रांड की तरफ से बहुत ही शानदार सा प्रोडक्टिविटी टेबल को आपको दिखाने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्चेस वगैरह किए, लेकिन एज अ डेडिकेटेड वीडियो मेरे को कोई सा वीडियो देखने को नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए ये वाला एक वीडियो बना दूं, जैसे कि अगर आपका भी एक ड्रीम है आपका खुद का डेस्क सेटअप बनाना है और एक प्रोडक्टिविटी डेस्क सेटअप बनाना जो नीट भी लगे, क्लीन भी लगे और ज्यादा कुछ मतलब जगह भी इसका ना लगे। और इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप दोनों कंप्यूटर्स को मतलब पास रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर की तरफ मेरे ऑफिस के सारे वगैरह काम वगैरह करता हूँ और उस वाले पार्ट में मैं ज्यादा अगर मेरे पढ़ाई वगैरह करना हो तो वो कर सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ भी एडिटिंग वगैरह करना है तो मैं लैपटॉप को उधर चार्ज में मतलब लगा के एडिटिंग वगैरह भी कर सकता हूँ। बेसिकली एक वर्क स्टेशन टाइप का डेस्क है जिधर आप मल्टीपल लोग बैठ के भी काम कर सकते हैं। और अगर आपका छोटा सा कोई भी बिजनेस वगैरह है और आप मल्टीपल लोगों के थ्रू काम करवाते हैं तो आप इस वाले टेबल को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो लोग तीन लोग भी बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। तो इस वाले टेबल को आप अगर छोटा मोटा बिजनेस वगैरह भी चलाते हैं तो तब जाके भी आप इस वाली टेबल की तरफ जा सकते हैं। अगर आप एक YouTube स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो तब जाके आप ऐसे टाइप के सेटअप वगैरह बनवा सकते हैं जिधर आप मल्टीपल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के साथ काम कर सकते हैं एक ही टाइम में एक ही टेबल को यूज करते हुए। आप इस वाले टेबल पे एक कंप्यूटर, उस वाले में और एक कंप्यूटर, और अगर आप चाहते हैं तो बीच में भी आप एक स्टैंड लगा के ट्रिपल मॉनिटर सेटअप भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत सारे मतलब लोग हैं जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं घर बैठे, तो एक अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह मतलब स्क्रीन बेसिकली मॉनिटर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं चार्ट्स वगैरह एनालाइज करने के लिए। तो आप इस टाइप के टेबल की तरफ जा सकते हैं जिधर आप पीछे से एक क्लैंप वाला स्टैंड लगा के आप दूसरा भी ट्रिपल मॉनिटर सेटअप, और अगर आप चाहते हैं अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं तब जाके आप कोई सा भी चैट पढ़ने के लिए कोई सा भी मतलब मॉनिटर वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं इस वाले टेबल पे, क्योंकि आपको इसमें भरपूर जगह देखने को मिलता है जैसे आप देख पा रहे हैं। और आप इजीली कोई सा भी चेयर से आप ऐसे इधर उधर मूव भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इधर उधर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और आपके काम वगैरह कर सकते हैं। और ये वाला टेबल बहुत ही इजीली एक्सेसिबल भी है और आप ऐसे बैठ के मतलब घंटों तक काम वगैरह कर सकते हैं। आपके मतलब हाइट के हिसाब से आपकी चेयर को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेबल का जो भी हाइट है वो स्टैंडर्ड हाइट है। ये बहुत ही प्रोडक्टिव टेबल है और टेबल का जो भी क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैंने मतलब लगभग अभी बहुत मतलब मंथ्स हो गए हैं इसको यूज करते हुए और अभी तक कोई सा भी प्रॉब्लम वगैरह मेरे को देखने को नहीं मिला। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको इसका पूरा अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, इसका ऑफिशियल इंस्टॉलेशन वीडियो भी मैं इस वाले चैनल पे शेयर करूंगा, जैसे कि आपको इसको इंस्टॉलेशन करने में आसानी हो और क्यों आपको इस वाले टेबल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा सा मतलब प्यारा सा प्रोडक्टिविटी टेबल है और इससे आपका सारे कुछ काम वगैरह आप कर सकते हैं, सारे कुछ चीजों को आप वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एक ही टेबल में अगर आप सारे कुछ चीजें कर सकते हैं तो आप क्यों दो दो तीन तीन करके टेबल खरीदें, एक ही टेबल में आप सारे कुछ काम वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव राइट इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। टीकाफो बहुत ही एक वेल नोन सा ब्रांड है और इनके आपके अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आप बहुत सारे अलग अलग आइटम्स देख सकते हैं वो लोग सेल करते हैं, जैसे कि आपका डेस्क हो गया, उसके बाद किचन रैक्स हो गए और प्लेंटी मोर। यू कैन जस्ट चेक देम ऑल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक्स देयर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है और आप इसका प्रोडक्ट के डिटेल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं इधर से, लेकिन मैं आपको थोड़ा इन डिटेल में बता देता हूँ कि ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप्ड टेबल है और इसका जो भी डायमेंशन है बेसिकली ये दोनों साइजेस में आते हैं, एक है 200 सेंटीमीटर वाला बाय 60 सेंटीमीटर और जो अदर है वो है 240 सेंटीमीटर
by 60 cm. सो आप इनके डायमेंशंस की डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 1 ईयर का वारंटी भी आता है इसके साथ, और अगर आप इंस्टॉलेशन खुद से नहीं कर पाते तो आप एडिशनल इंस्टॉलेशन चार्जेस देके वो वाला प्लान भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी टेक्नीशियन आके आपको ये वाला इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन अगर मैं आप मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट करेंगे तो आपको कोई सा भी मतलब एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है दोनों साइज़ का डिफरेंस, आप थोड़ा पॉज करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है पूरा जो भी डिटेल्स है, और इसका 1 ईयर जो फर्नीचर का जो प्लान है केयर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से अभी अनबॉक्स करते हैं, और मेरा जो भी डेस्क सेटअप है वो मैं इधर मेरे रूम पे करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पैकेजिंग है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही वेल मतलब अच्छे से पैकेज करके इनको भेजा गया था, और मतलब जो भी प्लाई वुड्स वगैरह है सारे कुछ, जो भी इंजीनियरिंग वुड बेसिकली यूज़ किया जाता है इन टाइप के मतलब आप अगर आप टेबल्स वगैरह परचेस करेंगे, तो ये बेसिकली एक इंजीनियर्ड वुड पार्टिकल बोर्ड है। साथ में अगर हम इसका कुछ और भी डिटेल्स की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट वेट है ये पूरा एग्जैक्ट 44 केजीज़ का है, और बेसिकली आपको दोनों कलर ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। एक है ब्राउन कलर का जो मैंने परचेस किया है, और एक है वाइट कलर का, तो आप कोई से भी परचेस कर सकते हैं। इनसाइड में आपको कुछ मैनुअल्स वगैरह भी दिए जाते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक डू इट योरसेल्फ मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, आपको कोई सा भी एडिशनल मतलब किसी को बुला के इसको इंस्टॉल नहीं करवाना है। अगर आप कोई सा भी दिक्कत वगैरह होता है तो आप मतलब किसी का हेल्प ले सकते हैं। अगर हम इसका कुछ और भी डिटेल्स की बात करें तो इसका जो बेनिफिट है वो है कि ये टर्माइट रेजिस्टेंट है, और साथ में ये वाटर रेजिस्टेंट है, और ईजी टू क्लीन भी है। और एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो है कि इसको आपको कोई सा भी डायरेक्ट सनलाइट में मतलब ला के नहीं रखना है, और कोई सा भी डायरेक्ट एक्सपोजर टू मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई सा भी डैमेज वगैरह हो। छोटा मोटा वाटर मतलब स्प्लैशेस वगैरह से भी अगर आप वेट क्लॉथ से और ड्राई क्लॉथ से वाइप आउट कर देते हैं तो कोई सा भी दिक्कत नहीं होता उसमें। तो ये बेसिकली एक ऑफिशियल इंस्टॉलेशन वीडियो है, मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद तो हम इस वाले इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। आप चाहे तो इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही आप पूरा जो टेबल है उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो साथ में अगर मैं इसका और भी कुछ डिटेल्स की बात करूँ तो ये आपको एक प्रीलिम इंजीनियरिंग वुड विद नेचुरल वुड ग्रेन फिनिश आपको देखने को मिलता है इस वाले पूरे ऊपर के जो भी प्लाई बोर्ड्स वगैरह है। साथ में आप इसके ऊपर मतलब 2 कंप्यूटर्स रख के यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आप ट्रिपल मॉनिटर सेटअप भी सेटअप कर सकते हैं। तो इसका जो भी फिनिशिंग है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और जो स्क्रूज वगैरह है ये कोई भी नट आपको सिर्फ फिक्स करना है, कोई भी बोल्ट्स वगैरह नहीं लगते, आपको सिंपली जो भी प्रोविजंस वगैरह दिए गए हुए हैं और आपको जो भी स्क्रूज़ के टाइप्स दिए गए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एक एक करके फिक्स कर देना है। बड़े जो भी रॉड्स वगैरह है उसको लगाने के लिए आपको बड़े स्क्रूज़ का यूज़ करना पड़ेगा, और छोटे वाले के लिए आपको छोटे स्क्रूज़ का यूज़ करना पड़ेगा। आप प्रोविजन भी देख सकते हैं कि किधर किधर आपको प्रोविजन दिए गए हैं कि जैसे कि आप इसको इंस्टॉल कर पाए। तो साथ में अगर हम इसके और भी कुछ डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको कुछ ओपन शेल्व्स देखने को मिलेंगे, और कोई सा भी आपको मतलब चीज़ें वगैरह रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बहुत सारे एम्पल मतलब एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ मेरे को जो बहुत ही अच्छा लगा इस वाले टेबल के बारे में वो है कि आपको बहुत ही मतलब ओपन स्पेस देखने को मिलता है नीचे की तरफ, जैसे कि आप फ्रीली आपके चेयर पर बैठ के आप दोनों साइड पर मतलब स्विच कर सके, मूव कर सके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। और 4 ओपन शेल्व्स आपको देखने को मिलेंगे, और किसी एक को भी अगर आप चाहते हैं तो बीच का जो भी पार्टीशन है उसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरे मतलब सीपीयू को रखने के लिए मैंने उसको एडजस्ट किया था। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने इसको एडजस्ट किया था उसके बाद। तो ओवरऑल इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी टू यूज़ भी है, और क्योंकि इसमें आपको हाई ग्रेड का जो भी इंजीनियरिंग वुड यूज़ किया जाता है, और जो भी फ्रेम वगैरह है वो भी कोई सा भी रस्टिंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे उस वाले फ्रेम में, और कोई भी कलर मतलब डिफॉर्मेशन और कोई सा भी मतलब कलर का मतलब चिप आउट होना कहीं पर भी कोई सा भी मतलब प्रॉब्लम मेरे को देखने को नहीं मिला इस वाले टेबल में। तो ओवरऑल टेबल को मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और एक चीज़ है कि जब भी हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया तब मैंने देखा कि टेबल बहुत ही फॉर्मली मतलब स्टेबल है, और कहीं पर भी कोई भी मूवमेंट वगैरह भी नहीं हो रहा है।
और अगर आप इजीली इसके ऊपर मतलब चीज़ें वगैरह रखेंगे तो आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के टेबल में ये खासियत है कि अगर आप कोई से भी और दूसरे घर पे स्विच करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप इजीली इसको मतलब डीअसेंबल कर सकते हैं और आपको फिर से जाके उसको रीअसेंबल करेंगे तो अब जाके आप इसको फिर से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर कैरी करना चाहते हैं किसी भी और मतलब जगह पर, आप अगर आप किसी भी और जगह पर इसको ले जा सकते हैं और मतलब इजी टू इंस्टॉल भी है, और अगर आप चाहते हैं तो आप किसी भी और जगह पे इसको ले जाना तो तब जाके आप इसको फिर से अनइंस्टॉल करेंगे और आप सारे पार्ट्स को अलग अलग करके ले जा सकते हैं और फिर से उधर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है अभी तक। अभी हम इसका ऊपर का जो भी पैनल है वो बैठा देंगे, जो ऊपर का जो भी मेन पोर्शन है, जो मेन प्लाई है, वो भी आपको स्क्रू से फिक्स करना पड़ेगा। ये बहुत ही एक अच्छा मतलब रेजिस्टेंट मटेरियल है और ये टर्माइट रेजिस्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी मतलब इंसेक्ट्स वगैरह से भी कोई भी आपके मतलब टेबल में कोई सा भी डैमेज वगैरह नहीं होगा और कोई सा भी गैप्स वगैरह भी हमको देखने को नहीं मिले। तो ऐसा हो गया हमारा पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट। ऊपर की साइड में कुछ कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं और अगर आप साइड पे आएंगे तो साइड में मैंने ऐसे टाइप के कुछ मतलब कुशंस वगैरह मतलब एजेस गार्ड्स आप देख सकते हैं कि ये लगाए हैं, मतलब चारों कोने पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में अगर हम आए तो ये वाला मेरा मतलब लैंप है, तो ये मेरे तरह ही दुबला पतला सा लैंप मैंने परचेस किया है। तो साथ में आपको ये वाला डेस्क मैट अच्छा लगे तो इसका भी मैं परचेस लिंक दे दूंगा आपको। तो ये तो मेरा पूरा ऑफिस का जो सेटअप है ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस साइड पे आएंगे तो ये वाला मैंने एडिशनली लगवाया है इस वाले टेबल में। अगर आप थोड़ा नीचे से मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला देख सकते हैं, ये बेसिकली क्लैंप है, तो ये बेसिकली एक हैंड रेस्ट है, तो आप देख सकते हैं ये। और साथ में आप पीछे की तरफ आएंगे तो एक पेन होल्डर, साथ में कुछ मतलब आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह डेकोरेशन के लिए, कुछ खाने के मतलब चीजें वगैरह, डायरी, और ये वाला मेरा बेसिकली वो वायरलेस चार्जर है, वो एक डीह्यूमिडिफायर है। साथ में आपको हमको एलेक्सा देखने को मिल जाता है। एलेक्सा से हाय, तो ये वाला जैसे कि आप देख पाएंगे ये वाला थोड़ा एक जॉइंट बेसिकली दो बोर्ड्स का एक जॉइंट है, तो मैंने इस वाले जॉइंट पे एक क्लैंप लगा के ये वाला मेरे दोनों हेडफोन्स बेसिकली हैंग किए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये वाला क्लैंप से क्या होता है कि दोनों जो भी बोर्ड्स है ये इनके बीच में जो गैप है वो भी नहीं दिखता। साथ में हमारा जो भी क्लैंप है उससे हम ये दोनों मतलब कुछ भी चीजें हेडफोन्स वगैरह मतलब टांग सकते हैं, तो हमारा दोनों काम ही हो जाता है। साथ में अगर हम इस साइड पे आए तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये एक चार्जर है जिससे मैं मेरे लैपटॉप को चार्ज देता हूँ। साथ में आपको मेरे डेस्क में ये वाला डिजिटल क्लॉक भी देखने को मिल जाएगा और ये वाला एक एक्स्ट्रा राउटर है। साथ में अगर हम नीचे की तरफ आए तो नीचे में हमको कुछ एडिशनल मतलब वाईफाई राउटर्स और साथ में कुछ मतलब सामान रखने की चीजें वगैरह, और ये वाला मैंने बेसिकली एडजस्ट किया है। अगर आप मेरे वीडियो पे देखेंगे तो मैंने इसको मतलब लगाया था पहले मतलब नीचे की तरफ करके, ये वाला जो भी आप देख पा रहे हैं बोर्ड है इसको मैंने डिटैच कर दिया और इसको मैंने इसके अंदर डाल के इसके ऊपर इसको फिक्स कर दिया। अभी एम्प्टी स्पेसेस वगैरह इधर भी आपके मतलब यूपीएस, ये बेसिकली एक एक्सटेंशन कॉर्ड है जिसको मैंने लगा के सारे कुछ मतलब लाइट वगैरह अलग से इंस्टॉल किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया, इससे एस्थेटिकली बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है हमारा चेयर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ज्यादा ही मतलब आरामदायक हो चुका है, तो इसको हम ज्यादातर मतलब ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर मैं इस तरफ मतलब काम करना चाहूँ तो इस तरफ मैं इसको ले जा सकता हूँ, और अगर मैं इसको मेरे को मतलब ऑफिस पे काम करना है तो एक ही चेयर से आप दोनों ही साइड को बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी अंदर की साइड में पार्टीशंस वगैरह नहीं है और इसमें आप बहुत सारे अलग अलग काम वगैरह भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो डेस्क है मैं ज्यादातर क्लीन रखने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होता है। तो यही था मेरा टेबल का पूरा एक वर्क थ्रू, मैंने दिखा दिया आपको पूरा। ये वाला टेबल हो सकता है थोड़ा कॉस्टली आपको लगे, लेकिन इस वाले टेबल में आपको उन सारे चीज़ों को देखने को मिल जाता है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड साइज आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसे टाइप का आपका प्रोविजन है, वॉल है बैकग्राउंड में, तो आप ऐसे इसको मतलब प्लेस कर सकते हैं। टेबल पे बैठ के आप सारे कुछ काम वगैरह एक ही बार में कर सकते हैं। साथ में आपको नीचे की तरफ कोई से भी ब्लॉकिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता, आपको फ्री स्पेस देखने को मिलता है जिधर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। साथ में आपको इसका अगर प्लाई की अगर हम बात करें तो प्लाई का जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मेरे को देखने को मिला। और मैंने एक चीज भी नोटिस किया, क्योंकि मैं जब भी मतलब पानी वगैरह मतलब पीता हूँ इधर बैठ के, तब जाके कोई सा भी अगर पैचेस वगैरह इस वाले टेबल पे आते भी है
तब जाके अगर हम इसको कोई सा भी वेट क्लॉथ से एक बार वाइप कर देते हैं तो वो वाले पैचेस वगैरह चले जाते हैं। स्टैंड्स की बात करें तो स्टैंड का भी जो भी क्वालिटी है वो भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा देखने में। और एक चीज मेरे को लगा कि ये वाला जो टेबल है बहुत ही स्टेडी है और फर्म है। अगर आप एक बार इसको इंस्टॉल कर देते हैं और कोई सा भी चीज अगर आप इसके ऊपर ना भी रखते हैं तब भी जाके आप इजीली इस वाले टेबल को मूव नहीं कर सकते। और ये ज्यादा हिलता डुलता भी नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही एक स्टेबल सा आपको डेस्क सेटअप देखने को मिलता है। और अगर आप एक क्लीन टाइप का डेस्क सेटअप बनाना चाहते हैं मेरी तरह तो आप डेफिनेटली इस वाले डेस्क सेटअप की तरफ जा सकते हैं, इस वाले वर्क स्टेशन टेबल की तरफ जा सकते हैं। लिंक विल बी देयर इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको कोई सा भी डाउट्स वगैरह है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में। मैं जितना हो सकता है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको वो वाला आंसर देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वाला पूरा वीडियो अच्छा लगा है और मेरा वाला ये डेस्क सेटअप अच्छा लगा है तो आप जरूर से कमेंट्स में ये लिख सकते हैं मेरे को। और अगर आपको कोई सा भी मतलब फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को जानते हैं जो इस टाइप के डेस्क सेटअप बनाने का सोच रहे हैं और एक बजट फ्रेंडली प्राइस में एक अच्छा सा मतलब प्रोडक्टिविटी डेस्क परचेस करना चाहते हैं जो बहुत ही अच्छा साइज का हो और बहुत सारे काम एक ही साथ एक ही डेस्क में बैठ के किया जा सके तो आप इस वाले वीडियो को जरूर उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।